वेलकम बैक। लास्ट लेक्चर से हमें पता चला कि एक विलेज में गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए बहुत सी तरह के रिसोर्सेज को साथ लाया जाता है। आज के लेक्चर में हम लोग इन्हीं रिसोर्सेज के बारे में बात करेंगे। हम जानेंगे कि गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स का ध्यान रखना होता है, और दोस्तों हम इन्हीं रिक्वायरमेंट्स को फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। तो आइए हम सब मिलकर आज का लेक्चर शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, किसी भी टाइप के गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए हमें हमेशा फोर फैक्टर्स को ध्यान में रखना चाहिए। ये फोर फैक्टर्स हैं लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल। आइए इन चारों फैक्टर्स को बहुत ही अच्छे से डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लैंड के बारे में। स्टूडेंट्स, किसी भी टाइप के गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए हमें सबसे पहले लैंड की जरूरत होती है। चलिए इस वॉच के एग्जांपल से समझते हैं। दोस्तों, इस वॉच को फैक्ट्री और लैब्स में बनाया गया है, और हम सब जानते हैं फैक्ट्रीज, लैब्स और किसी भी टाइप की बिल्डिंग्स को कंस्ट्रक्ट करने में सबसे पहले एक लैंड की जरूरत होती है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए लैंड बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद बात आती है लेबर के बारे में। स्टूडेंट्स, लेबर में वो लोग आते हैं जो गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करने में हमारी मदद करते हैं। जानते हैं, कुछ प्रोडक्शन एक्टिविटीज में हाईली एजुकेटेड वर्कर्स की जरूरत होती है, जैसे कि इस वॉच के केस में, और कुछ प्रोडक्शन एक्टिविटीज में हाईली एजुकेटेड वर्कर्स की जरूरत नहीं होती, जैसे कि सैनिटेशन वर्क या फिर मील डिलीवरी सर्विस। इन दोनों फैक्टर्स के बारे में जानने के बाद चलिए अब बात करते हैं फिजिकल कैपिटल के बारे में। स्टूडेंट्स, गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए हर प्रोडक्शन स्टेज पर जिन इनपुट्स की जरूरत होती है उन्हें हम फिजिकल कैपिटल कहते हैं। फिजिकल कैपिटल में टू टाइप्स की कैपिटल आती है, फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल। दोस्तों, फिक्स्ड कैपिटल में मेनली टूल्स, मशीन्स और बिल्डिंग्स आती हैं, जिन्हें हम प्रोडक्शन एक्टिविटीज के लिए लंबे समय तक यूज कर सकते हैं, जैसे कि इस वॉच के केस में लेटेस्ट मशीन्स, लैब्स और टूल्स का यूज किया गया है। अब ऐसा तो नहीं है कि एक मशीन से दोस्तों सिर्फ ये एक वॉच बनाई गई है। एक मशीन की मदद से कई मिलियंस ऑफ वॉचेस बनाई गई हैं। इसीलिए स्टूडेंट्स हम कह सकते हैं कि टूल्स, मशीन्स और बिल्डिंग्स का एक प्रोडक्शन एक्टिविटी में बहुत ही लंबे समय तक यूज किया जाता है, और इसीलिए इन्हें हम फिक्स्ड कैपिटल के नाम से बुलाते हैं। इसके बाद बात आती है वर्किंग कैपिटल के बारे में। वर्किंग कैपिटल में दोस्तों रॉ मटेरियल्स और मनी इन हैंड आते हैं, जिन्हें हम प्रोडक्शन एक्टिविटीज के लिए लंबे समय तक यूज नहीं कर सकते, जैसे कि इस वॉच के केस में स्टील, अल्यूमिनियम और लेदर का यूज किया गया है। अब आप खुद ही सोचिए, जितनी ज्यादा वॉचेस मैन्युफैक्चर होंगी उतनी ही ज्यादा रॉ मटेरियल्स की जरूरत होगी, और रॉ मटेरियल्स को खरीदने के लिए पैसों की जरूरत होगी। इनफैक्ट वर्कर्स को रेगुलर पेमेंट्स देने के लिए भी दोस्तों मनी की जरूरत होगी, और इसी के कारण मनी इन हैंड और रॉ मटेरियल्स को वर्किंग कैपिटल का नाम दिया गया है। फिजिकल कैपिटल को अच्छे से समझने के बाद इसके बाद हम लोग बात करते हैं ह्यूमन कैपिटल के बारे में। फ्रेंड्स, लैंड, लेबर और फिजिकल कैपिटल का इफेक्टिव और एफिशिएंट तरीके से यूज करने के लिए ह्यूमन कैपिटल का होना बहुत ही जरूरी है। जानते हैं, ह्यूमन कैपिटल में नॉलेज और एंटरप्राइज आते हैं। आई एम श्योर आप सब इस बात से अग्री करेंगे कि हम उसी काम को बहुत ही अच्छे से पूरा कर सकते हैं जिस काम में हम अपनी पूरी नॉलेज का यूज करें। इनफैक्ट आप सब स्कूल एग्जाम्स में अच्छा स्कोर तभी कर पाते हैं जब आप उस एग्जाम के लिए पूरी तैयारी के साथ जाएं। इसीलिए हम कह सकते हैं दोस्तों कि लैंड, लेबर और फिजिकल कैपिटल का अच्छे से यूज करने के लिए ह्यूमन कैपिटल का होना बहुत ही जरूरी है, और इसी के साथ हमने इन चारों फैक्टर्स को डिटेल में डिस्कस कर लिया है।
नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इन फैक्टर्स को दोस्तों पालमपुर की केस स्टडी से रिलेट करेंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग. सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. आई एम श्योर स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा. तो इसी तरह से एक मजेदार तरीके से अपने हर कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए पीयू स्टैक ऐप, जहां आपके लिए और भी कई सारे ऑप्शन हैं, जैसे कि आपके लिए सैम्पल पेपर्स हैं, बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशन, स्टेप वीडियोज एंड मच मोर. सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ.